नमस्कार दोस्तों, नालको की बात करेंगे, नेशनल अल्मीनियम कंपनी लिमिटेड की बात करेंगे। मेटल पावर माइनिंग में कारोबार है, सरकारी कंपनी है दोस्तों। अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या कामकाज है उसका और कंपनी क्या करती है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो सरकारी कंपनी है, मेटल पावर और माइनिंग में कामकाज है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 127.95 रुपये इसने हाई बनाया है, गिरावट है और स्टॉक में गिरावट है। 100 के लेवल को ये होल्ड नहीं किया तो नीचे की तरफ आया 88 रुपीज़ के आसपास। तो शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलता है दोस्तों, बढ़िया डिविडेंड मिलता है इस कंपनी की तरफ से। अगर बहुत सारे निवेशक अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड के लिए भी स्टॉक को रखते हैं, जैसे कि अभी Q2 का जो रिजल्ट निकला था उसमें भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट था, इंटरिम डिविडेंड। आगे आने वाले Q3 Q4 में भी डिविडेंड मिल सकता है। तो जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं, खासतौर से जो सरकारी कंपनियां हैं, उनमें बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आती है। फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं। किसी भी कंपनी को लेने से पहले उसका फंडामेंटल को देखना ज़रूरी है, एनुअली क्वार्टरली। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जिन्होंने 3 साल में अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो कितना रिटर्न मिला है इस वक्त, के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। राकेश झुंझुनवाला जी की बात करते हैं तो उनकी भी होल्डिंग है दोस्तों नालको में। दोस्तों सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है नालको का आज तक का, और फेस वैल्यू 5 रुपये का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 58 का, और EPS की बात करते हैं 12 का है, और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है इसका। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी बढ़िया मिलता है, बहुत सारे निवेशक एक तरह से डिविडेंड के लिए भी नालको को देखते हैं। दोस्तों अब फाइनेंशियल नंबर की तरफ ध्यान देते हैं तो 2021 में 8,955 करोड़ का रेवेन्यू था एनुअली, और 2020 में 8,471 करोड़ का रेवेन्यू था, और 2019 में 11,499 करोड़ का रेवेन्यू था। तो देखिए अब पिछले 2-3 साल में रेवेन्यू कम हुआ है, 2021 में थोड़ा सा एक तरह से गेन हुआ है ये। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 1,299 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 में 138 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखिए स्टॉक एक तरह से गिरा भी था ये, काफ़ी नीचे के लेवल पे आया था, पर 2019 में काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी देख लीजिए, 1,732 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। EPS की बात करते तो 6.97 का है 2021 में, और सबसे ज़्यादा था 2019 में, 2020 में कम था दोस्तों। तो 2020 में एक तरह से गिरावट भी थी, अब जो है इनका रेवेन्यू थोड़ा बहुत बढ़ा है, प्रॉफिट आया है कंपनी को, और EPS में भी गेन हुआ है दोस्तों। तो ये एनुअली नंबर से अगर हम क्वार्टरली नंबर्स की तरफ ध्यान देते हैं तो देखिए सितंबर 2021 में 3,592 करोड़ का रेवेन्यू था, और उससे पहले देखते हैं जून 2021 है 2,474 करोड़ का था, और मार्च के क्वार्टर में 2,821 करोड़ का था। सितंबर के क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ा था, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 747 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था सितंबर 2021 में, और मार्च के क्वार्टर में 935 करोड़ का प्रॉफिट था, और जून के क्वार्टर में कम था 347 करोड़। तो ये क्वार्टरली नंबर से रेवेन्यू ज़बरदस्त आया था दूसरी तिमाही में, और प्रॉफिट भी आया था, बट स्टॉक में गिरावट है। दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स के बाद ज़्यादातर कंपनियों में करेक्शन रहा है, और उससे पहले स्टॉक्स तेजी रहे थे दोस्तों। तो ये एनुअली नंबर्स और क्वार्टरली नंबर्स था दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 51.28% की है, और दिसंबर में जो होल्डिंग थी 51.50% की थी, तो सितंबर में एक तरह से कम है, और ये 31 मार्च 2021 से मेंटेन है। FIs क्या कर रहे हैं, देखिए 15.22% की होल्डिंग है सितंबर में, और इनकी होल्डिंग दिसंबर में कम थी, देखिए 7.22%, यानी मीन्स इन्होंने एक तरह से खरीदारी की है सितंबर के क्वार्टर में भी। DIs की जो होल्डिंग है 10.33% है, और पिछली बार था 9.76% की हिस्सेदारी थी। तो एक तरह से FIs और DIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है दिसंबर 2020 के अनुसार, बट जून में जो हिस्सेदारी थी DIs की 11.45% की थी, और अब की बात थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली किया है दोस्तों। 30 सितंबर 2021 तक का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 साल का रिटर्न है 121% का, 3 साल का रिटर्न है 30% का है, 30% का है,
और 3 महीने का रिटर्न नील हो गया और 1 महीने का माइनस में रिटर्न है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस की बात है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं दोस्तों, शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। नेशनल अल्मोनियम कंपनी लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है और ऊपरी तरफ से एक तरह से फिसला है ये। 127.95 रुपये हाई किया, ये हाई बना था 18/10/2021 को, तो पिछले 1.5 महीने में इसमें गिरावट है और नीचे की तरफ स्टॉक का ट्रेड कर रहा है 88 रुपीज़ के आसपास। एक तरह से ये लगातार नीचे की तरफ है, स्पेशली देखिए 100 रुपीज़ को होल्ड नहीं है तो स्टॉक में ऊपरी तरफ से दबाव है, प्रेशर है। 85 रुपीज़ का इसका सपोर्ट रहेगा और 85 के नीचे अगर ये फिसलता है तो मान के चलिए कि 80 से 70 तक, क्योंकि इसका जो प्राइस था 23/8/2021 को 71 रुपीज़ था दोस्तों, तो एक सपोर्ट जो रहेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रहेगा 70 रुपीज़ का रहेगा। स्टॉक एक तरह से, स्टॉक में अगर एक तरह से पैनिक सेलिंग आती है तो फिर बाइंग भी आ जाएगी, बट ये है कि थोड़ा सा समय लग सकता है। Q3 Q4 का रिजल्ट अभी देखना पड़ेगा किस तरह का इम्प्रूवमेंट होता है, बट ये कि अगर टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो RSI 36 के आसपास है, थोड़ी बहुत और गिरावट होगी इसमें डेली के अनुसार तब इसमें तेज़ी की संभावना रहेगी दोस्तों। तो अभी फिलहाल बेरिश मोड में है ये, कुछ दिन ये साइडवेज कारोबार कर सकता है। अगर पैनिक सेलिंग होती है तो इसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। जो नेशनल अल्मोनियम कंपनी लिमिटेड को लेना चाहते हैं डिविडेंड के लिए या फिर प्राइस मूव के लिए, तो अगर पैनिक सेलिंग होती है तो इसको नज़र में रखना चाहिए। पिछले साल जो गिरावट आ गई थी दोस्तों, ये काफ़ी नीचे के लेवल पे आ गया था। ये था दोस्तों पिछले साल अप्रैल में, इस साल नहीं पिछले साल, 28 रुपये में था। तो जिन्होंने 28 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपये के आसपास लिया है तो उनको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। तो फिलहाल तो ये बेरिश मोड में है, अगर इस पर पैनिक सेलिंग होती है तो थोड़ा बहुत इसको अपने हिसाब से देखना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से नेशनल अल्मोनियम कंपनी लिमिटेड को देखना चाहिए, बट समय देना पड़ेगा दोस्तों। बहुत तेज़ी से नहीं भागेगा, जैसे कि टाटा स्टील भागता है, फिर सेल में भी काफ़ी अच्छा मूव आता है, तो ये स्लो एंड स्टेडी वाला स्टॉक है दोस्तों। तो ये नेशनल अल्मोनियम कंपनी लिमिटेड का चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण था और कुछ फाइनेंशियल नंबर थे, एनुअली, क्वार्टरली, मार्केट कैप की बात थी, प्राइस परफॉर्मेंस की बात थी। इससे आइडिया लगता है कि स्टॉक में किस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है और आगे क्या हो सकता है दोस्तों अब करना क्या चाहिए नेशनल अल्मोनियम कंपनी लिमिटेड में। मार्केट में एक तरह से गिरावट है तो नेशनल अल्मोनियम कंपनी लिमिटेड का स्टॉक भी नीचे की तरफ आया, 100 रुपीज़ को होल्ड नहीं कर पाया। अब अगर इसमें पैनिक सेलिंग होती है तो डेफिनेटली इसको स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए। डिविडेंड कंपनी देती है, ज़्यादा मूव नहीं आता है, तेज़ी से मूव नहीं आता है, धीरे धीरे स्टॉक बढ़ता है, स्लो स्टडी के हिसाब से बढ़ता है, एक तेज़ी आती है फिर गिरावट होती है, जैसे कि अभी चार्ट पैटर्न के अनुसार भी देखा। तो जिनके पास समय है, टाइम है, अपने पोर्टफोलियो में इसको रखना चाहिए, डिविडेंड मिलते रहता है, तो मान के चले कि 6 महीना, 1 साल अगर जो समय देना चाहते हैं तो उसके अनुसार इस स्टॉक को देखना चाहिए। ऊपरी तरफ ट्रैप हो गए तो होल्ड करिए, और जैसे कि अभी इसने डिविडेंड भी दिया था और हो सकता है अगले Q3 Q4 में भी डिविडेंड मिले दोस्तों। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस और विश्लेषण है प्रेजेंट टाइम के अनुसार है दोस्तों। मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।